हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। खास क्या है, क्या हम करने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पे टोटल करना है हमको। टोटल करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है सम। तो इज इक्वल टू सम लगाएंगे। यहाँ पर आपको ऑटो सम फीचर नहीं मिलता है, खाली सम लगाइए और बाकी की चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैं केवल क्या लिखता हूँ, सम। ये सम लिखा और जैसे ही, अब देखिए कुछ कर रहा नहीं है, नीचे सारी चीजें सिलेक्शन में अपने आप आ जाती है। काफी स्मार्ट है गूगल सीट इन कंपैरिजन टू एक्सेल। तो यहाँ पे एंटर करिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। हम इसको कॉपी पेस्ट ही तो करवाते हैं। अगर हम इसको यहां से इस तरीके से ड्रैग कर रहे हैं, यहां से पकड़ करके, तो हम इसे कॉपी पेस्ट ही तो करते हैं। तो क्या हम इसको मैन्युअली कॉपी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि यहां लगाया है मैंने फॉर्मूला, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर कर दीजिए पेस्ट। तो ये पेस्ट किया तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट कुछ और मिलेगा। तो ये तरीका हो सकता है, आप इसको डायरेक्टली ड्रैग भी करवा सकते हैं या सिंपल वे में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑटो सम फीचर नहीं मिलता है अलग से, जैसे कि एक्सेल में मिलता है। देखिए ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, ये डेटा हमारे पास सेम है। और अगर आपको टोटल यहां पे करना है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं TOTAL, ये लिखा टोटल। और टोटल लिखने के बाद यहां पर हमें टोटल करना है। कैसे करेंगे टोटल? इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा करके, SUM, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला लगाया, यहां पर सबको सेलेक्ट किया, बंद कर दिया, ब्रैकेट को एंटर किया, यहां पर यह एड होके आ जाता है हमारे पास। यहां पर राइट क्लिक करते हैं, इसमें कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअल में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते हैं तो वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर रिजल्ट कुछ और, यहाँ पे रिजल्ट कुछ और यहाँ पे रिजल्ट कुछ और मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, आप किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ये काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे डेटा को यहाँ से और सीधा कहाँ आ जाता हूँ, लिब्रा कैल्क ओपन कर लेता हूँ, लिब्रा, ठीक है। तो ये कैल्क हमें ओपन करना है, ये कैल्क ओपन हो गया। देखिए ये कैल्क है हमारा, इसको यहाँ पर अब हम इसी चीज को पेस्ट कर देते हैं, ये जो हमने डेटा लिया था इसी को पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल। ये एक अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आप ओपन ऑफिस का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आते हैं, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लिया जाए तो हर जगह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। इसका फॉर्मेट मैंने रुपीज का नहीं रखा है तो यहाँ पर रुपया वाला जो सिंबल है वो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम इसको इस तरीके से ड्रैग नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये ड्रैग करवाने पे आ तो जाएगा लेकिन इस तरीके से करवाना नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करके देखेंगे। एक्चुअल में हम कॉपी पेस्ट ही करवाते हैं तो ये भी आ जाएगा। देखिए यहां पे 26,816 है, पेस्ट किया 26,290 हो गया, पेस्ट किया 27,471 हो गया, पेस्ट किया 31,108 हो गया, देख सकते हैं ना। तो ये वही फीचर है, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए इसको, बाकी सब चीजें ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।